अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात। उम्मीद करते हैं भाइयों दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे रिक्वायरमेंट निकल गया है, रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, कुछ कमेंट्स हैं उनकी भी बात करेंगे, और कुछ नए सब्सक्राइबर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी भी बात करेंगे। तो पूरे डिटेल्स बताएंगे आपको। बहुत सारे रिक्वायरमेंट है गल्फ कंट्री का, बहुत सारे रिक्वायरमेंट, जितना भी ये रिक्वायरमेंट है टोटल रिक्वायरमेंट अभी जो बता रहे हैं आप, जो रिक्वायरमेंट देख रहे हैं सुन रहे हैं, वो टोटल रिक्वायरमेंट आप इंडिया के अंदर अवेलेबल है कहीं भी किसी भी स्टेट में, तो वहाँ से सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर जो भी होगा ये ऑनलाइन प्रोसीजर होगा, सीबी सिलेक्शन होगा, सीबी सिलेक्शन के बाद में आपका जो भी इंटरव्यू होगा, स्काइप इंटरव्यू हो, आईमो इंटरव्यू हो, जो भी होगा ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। आप इसमें जब भी मेल करें, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें ध्यान दें, आप जब भी रिज्यूम मेल करें अपने रिज्यूम अपडेट करें, रिज्यूम के साथ में अपना स्काइप आईडी जरूर मेंशन किया करें, आईमो नंबर मेंशन किया करें, व्हाट्सअप नंबर मेंशन किया करें। ये दो तीन चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये छोटी है बट बहुत ही बड़ी इश्यूज़ हो जाता है इसके वजह से, हो सकता इसके वजह से हो सकता है आपके पास रिप्लाई नहीं आता होगा। देखें टेलीफोनिक इंटरव्यू अभी परसेंटेज चल रहा है, तो इस चीज़ पर ध्यान दें, आपको आपको ध्यान देना है इस चीज़ पे, और इंशाल्लाह हो सकता है जॉब आपके लिए बेहतर होगा। पूरी रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, और जो भी रिक्वायरमेंट टोटल इंडिया के अंदर से अप्लाई कर सकते हैं कहीं भी किसी भी स्टेट में, तो सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर आपको बताएंगे, और उम्मीद करेंगे वीडियो आपको अच्छा लगेगा, इन्फॉर्मेटिव लगेगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखें यहाँ पर कतर का रिक्वायरमेंट हमारे पास निकल के आ रहा है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर इलेक्ट्रो मैकेनिकल LLC कतर, सीबी सिलेक्शन यहाँ पर चल रहा है। ECR ECNR बोथ पासपोर्ट आर एक्सेप्टेड है इसमें। इसमें देख रहे जो रिक्वायरमेंट है, इसमें रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रीशियन का रिक्वायरमेंट दिया गया, 40 बंदे चाहिए, 1200 से 200 सैलरी प्लस 200 सैलरी, प्लम्बर भी बंदे इनमें चाहिए, प्लम्बर 40 प्लस 40 बंदे चाहिए, 1200 से 1200 प्लस 200, जिसमें पाइप फिटर चाहिए 20 बंदे, 1200 प्लस 200 डॉक्यूमेंट चाहिए 40 1200 प्लस 200। इसमें ये सैलरी इसमें मेंशन किया हुआ क्लियरली, एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन मेडिकल टिकट बाई कंपनी होगा। लास्ट डेट 22/8 का ये डेट है अप्लाई करने का। इसमें अगर आप इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर दें। और इसमें इलेक्ट्रीशियंस का भी है, तो इलेक्ट्रीशियंस का जैसे कि अरुण कुमार जी ने हमारे पास लिखा है कि दुबई का इलेक्ट्रीशियन है, कुछ है क्या, तो देख ले इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते अप्लाई कर ले। ऑफिस ये ठीक ठाक है, सब एजेंट है यहाँ पे अपना क्या आज़ाद नगर जमशेदपुर में है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ये ठीक ठाक है, हो सकता है इंशाल्लाह जॉब बेहतर हो। तो इसमें आप देख ले इलेक्ट्रीशियन का है, इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहें, सैलरी तो थोड़ी कम लग रही है, फिर भी आप अपन इंटरेस्टेड हैं अरुण कुमार जी, तो आपने हमें पर्सनली मैसेज किया था, तो आपके लिए हम बता रहे हैं अगर इंटरेस्टेड हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते, हो सकता है इंशाल्लाह जॉब ये बेहतर हो। अगली रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, अगला रिक्वायरमेंट निकल कर अबू धाबी के लिए रिक्वायरमेंट है, HR इंटरनेशनल की तरफ से रिक्वायरमेंट है। ये इंडिया के अंदर अगर आप अवेलेबल है तो इंडिया के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली पूरा सीबी सिलेक्शन का प्रोसेस है इसका, तो देखिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है इसमें। स्टील फिक्सर ग्रेड बी, स्टील फिक्सर ग्रेड ए ग्रेड बी है, शटरिंग कारपेंटर ग्रेड ए ग्रेड बी है, इसमें मेसन BP+T ग्रेड ए ग्रेड बी है, इसमें स्कैफोल्डर की भी रिक्वायरमेंट है। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ रीड करना चाहिए, 3 से 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम बंदा फिट होना चाहिए, एज लिमिट दिया हुआ है 22 से लेकर 35 साल तक का एज होना चाहिए आपके पास में। बाकी का डिस्क्रिप्शन पूरा मेंशन किया, हेल्पर स्कैफोल्डर के बाद में हेल्पर और लेबर का भी कुछ रिक्वायरमेंट है, और लेबर का जो रिक्वायरमेंट उसका भी डिस्क्रिप्शन मेंशन किया हुआ है। यहाँ से 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास में, और फिटनेस आपके पास होना चाहिए। क्वालिफिकेशन का कुछ खास मेंशन नहीं किया, बस तो थोड़ा आपको इंग्लिश थोड़ा आना चाहिए। एज लिमिट मेंशन किया हुआ है 22 से लेकर 33 साल तक एक्सपीरियंस होना चाहिए। टर्म एंड कंडीशन इसका मेंशन किया, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, 8 घंटे की ड्यूटी होगी आपको, फ्री एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें CV मेल करते, मेल आईडी मेंशन किया हुआ, कोई भी डाउट कोई भी क्वारीज है तो कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन किया हुआ है। कॉल करने का टाइम है 10 से शाम 6 बजे तक, क्लियर कर सकते हैं आप जो भी डाउट्स है आप क्लियर कर सकते हैं बात करके, इंशाल्लाह आपके लिए जॉब बेहतर होगा। इसमें अप्लाई करें, HR इंटरनेस बहुत ही अच्छी कंसल्टेंसी है, बेहतरीन कंसल्टेंसी है, इसमें भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगली रिक्वायरमेंट की हम बात करते हैं, अगला रिक्वायरमेंट सीबी सिलेक्शन है, अबू धाबी का सीबी सिलेक्शन आ रहा है। इनोवेशंस ग्रुप का ये कम रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट फॉर अबू धाबी इनोवेशन ग्रुप। पोजीशंस कौन कौन सी है, कौन कौन सा रिक्वायरमेंट है, डिटेल बताते हैं आपको। ये सर्वेयर वर्कर की रिक्वायरमेंट है, 15 बंदा चाहिए, 1500 सैलरी मेंशन किया, रिगर चाहिए 20 बंदे, 1200 से 1300 सैलरी मेंशन किया हुआ है। मेसन चाहिए इसमें, ब्लॉक और प्लास्टर का 50 बंदे जो कि 1100 से 1200 सैलरी मेंशन किया गया है। स्टील फिक्स चाहिए 80 बंदे, 1000 से 1200 मेंशन किया गया सैलरी इसमें। सेटरिंग कारपेंटर चाहिए 100 बंदे, 1000 से 1200 मेंशन है। स्प्रे पेंटर चाहिए 100 बंदे, 1300 से 1500 मेंशन है। सैंड ब्लास्टर चाहिए 100 बंदे, 1100 से 1300 मेंशन किया है। इसमें भी स्काफ होल्डर की रिक्वायरमेंट है, स्टील फिक्सर एंड हेल्पर की भी रिक्वायरमेंट है इसमें। तो इसे फ्री फूड एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन 8 घंटे की ड्यूटी सारा कुछ मेंशन किया हुआ है, और गोल्डन मैन पावर कंसल्टेंसी की तरफ से ये रिक्वायरमेंट है। ये आपका जमशेदपुर का है, ये कोई उतनी बड़ी और हेवी कंसल्टेंसी नहीं है, बस जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं
कि काम छोटी से छोटी कंसल्टेंसी भी काम कराती है, फ्लाइट कराती है, ऐसा कुछ नहीं। बस बात है कि बड़े कंसल्टेंसी पर आदमी को भरोसा होता है, हमें आप पे आपको पूरा भरोसा होता है उन पे, इन पे थोड़ा भरोसा करने के बाद दिल नहीं मानता, फिर भी आप देख लें, बात कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, हो सकता है इंशाल्लाह बेहतर हो। अगली रिक्वायरमेंट की हम बात करें तो अगला रिक्वायरमेंट कतर का रिक्वायरमेंट निकल के आ रहा है। जॉब कोड मेंशन किया गया और इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट मेंशन किया गया, ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। इंटरनेशनल रिक्वायर फॉर ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट के लिए ओनली एक्स कैप कैंडिडेट नीड टू अप्लाई। अगर इंडिया से आप हैं, इंडिया में हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, बट एक्स कैप में, कैप कंपनी में आपने काम किया हुआ है अगर, तो अप्लाई करें, वरना कुछ खास फ़ायदा होने का चांसेस नहीं है। कैप वाले के लिए फ्री रिक्वायरमेंट है, लार्ज रिक्वायरमेंट है, स्कैफ होल्डर की ज़रूरत है, उसमें स्टील मेटल फैब्रिकेटर की ज़रूरत है, स्टील मेटल फैब्रिकेटर दो बार मेंशन किया हुआ है, स्टील फिटर में इंस्टॉलेटर की रिक्वायरमेंट है, स्प्रे पेंटर की रिक्वायरमेंट है, ब्लास्टर का रिक्वायरमेंट है, ब्रश पेंटर का रिक्वायरमेंट है, हैंडमैन एक्सपीरियंस एंड द कारपेंट्री प्लम्बिंग एंड सिविल वर्क एक्सेट्रा। तो देखिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो इसमें मेल कर सकते हैं, मेल आईडी मेंशन किया, कोई भी डाउट्स कोई भी क्वारीज है तो कॉल करें, कॉल करने का वक्त मेंशन किया 10 से शाम 5 बजे तक। और बात करें अगर कंसल्टेंसी की तो सिगोल इंटरनेशनल बहुत ही अच्छी बेहतरीन कंसल्टेंसी है, इससे ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर विजिट करें। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आ रहा है निकल के केएस का, ये भी सऊदी से, सऊदी का रिक्वायरमेंट, अगर आप इंडिया में हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर द लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी इन केएसए किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया। तो फायर अलार्म टेक्नीशियंस का इसमें रिक्वायरमेंट है, फायर पंप टेक्नीशियंस का रिक्वायरमेंट है, फायर फाइटिंग टेक्नीशियंस का रिक्वायरमेंट है। तो ये जो भी रिक्वायरमेंट है इसका डिस्क्रिप्शन क्लियरली मेंशन किया हुआ है, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रो एंड मैकेनिकल डिप्लोमा, गल्फ एक्सपीरियंस प्रीफर्ड, गल्फ एक्सपीरियंस जिसके पास है उसको पहले लिया जाएगा, बाद में फ्रेशर का चांसेस आएगा। तो अगर हम इंटरेस्टेड हैं इसमें तो मेल आईडी मेंशन किया, मेल कर दें अपना अपडेटेड रिज्यूम, और ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिया हुआ, कोई भी डाउट कोई भी क्वारी है तो क्लियर कर सकते हैं। कंसल्टेंसी की बात करें तो कंसल्टेंसी एम घी वाला बहुत ही बेहतरीन अच्छी कंसल्टेंसी, इसमें भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। अर्जेंट रिक्वायरमेंट ये आ रहा है, यूएई का रिक्वायरमेंट निकल के आ रहा है। अर्जेंट रिक्वायरमेंट ये इंडिया के अंदर से अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहली और मेन बात है जो इंडिया के अंदर बंदा है वो अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी स्टेट में है। तो फॉर द लीडिंग स्पेशलिस्ट फॉर द प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन यूएई की कोई कंपनी है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी जॉब की रिक्वायरमेंट है वो ध्यान दें, इसमें सेल्स कोऑर्डिनेटर की रिक्वायरमेंट है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, बाकी का डिस्कशन रीड कर लें। यहाँ पे वीएमसी ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, बाकी का डिस्कशन रीड कर सकते हैं। ड्राफ्टमैन की रिक्वायरमेंट है, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, बाकी का डिस्कशन या रीड कर लें। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन चाहिए, इसमें 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। देखें इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन है तो अरुण कुमार जी, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो देख लें, ये हो सकता है आपके लिए बेहतर हो, तो इसमें आप अप्लाई ज़रूर करें और देख लें, शायद हेल्पफुल हो पाए आपके लिए ये जॉब। इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस तो आपका यहाँ पे मेंशन किया हुआ, इलेक्ट्रीशियन इन सेम रोल शुड हैव एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन प्लांट रिपेयर एंड आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। अगर अरुण कुमार जी आपके पास आईटीआई डिप्लोमा है तो इसमें अप्लाई करें, हो सकता है ये जॉब बेहतर हो आपके लिए। और डाइट मेकर के लिए का रिक्वायरमेंट है, 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और डाइट डिज़ाइनर का रिक्वायरमेंट है, तो उसमें एक्सपीरियंस का कुछ कैसे मेंशन नहीं है, फिर भी आपको इंजीनियरिंग फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें अप्लाई करें, मेल आईडी मेंशन किया हुआ अरुण कुमार जी, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी डाउट जो भी क्वारी से तो कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बेहतरीन कंसल्टेंसी है, कंसल्टेंसी की बात करें तो अच्छी और भरोसेमंद कंसल्टेंसी एम घी वाला ग्लोबल, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इसे ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट निकल के आ रहा है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है सुल्तनत ऑफ ओमान, और ये रिक्वायरमेंट भी आप अगर इंडिया के अंदर है तो इंडिया के अंदर से सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। सऊदी के अंदर जो अब्रॉड का जो भी रिक्वायरमेंट है, सऊदी कतर बहरीन दुबई जो भी रिक्वायरमेंट है अब्रॉड का, अब्रॉड के अंदर से जो अप्लाई करना है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा इंशाल्लाह। तो इसमें आप अप्लाई करें। अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर द रिपेयरिंग सेंटर का कुछ है, इसमें वैकेंसीज निकल के आया, वर्कशॉप सुपरवाइजर का वैकेंसीज निकल के आया है, इसमें ऑटो मैकेनिक का रिक्वायरमेंट है, ऑटो इलेक्ट्रीशियंस का, एसी का भी है, वर्कशॉप एडवाइज़र का, असिस्टेंट मैकेनिक का, क्लीनिंग स्टाफ का भी रिक्वायरमेंट है। 3 से 5 साल का तकरीबन हर लाइन में एक्सपीरियंस होना चाहिए इसको, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस तकरीबन होना चाहिए आपके पास। और गल्फ वाले बंदे को पहले इसमें प्रीफर किया जाएगा, जीगी वाले की तरफ से ये रिक्वायरमेंट है। बहुत ही अच्छी बेहतरीन कंसल्टेंसी है, इसमें सारा कुछ मेंशन किया हुआ, मेल आईडी कॉन्टैक्ट नंबर सारा कुछ मेंशन किया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर। आप इंटरेस्टेड है तो इसे मेल करें और जो भी कोई भी डाउट्स को भी क्लियर करें। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। अगला रिक्वायरमेंट निकल कर रहा है आरामको प्रोजेक्ट का, इस मैक्स के तरफ से रिक्वायरमेंट निकल कर रहा है सऊदी अरबिया का। ये बहुत ही अच्छी बेहतरीन रिक्वायरमेंट है, जो भी रिक्वायरमेंट सब हाई क्वालिटी रिक्वायरमेंट है। वर्क परमिट रिसीवर का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर का रिक्वायरमेंट, नींबू चाहिए,
क्यूसी इंस्पेक्टर पाइपिंग में चाहिए, क्यूसी इंस्पेक्टर वेल्डिंग में चाहिए, कास्टिंग में चाहिए, स्ट्रक्चर में चाहिए, क्यूसी इंस्पेक्टर प्लम्बिंग में चाहिए, सिविल में स्कैफोल्डिंग इलेक्ट्रिकल इन सब में क्यूसी इंस्पेक्टर चाहिए, मैकेनिकल में चाहिए। तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट ऑपरेटर के अंदर, क्रेन ऑपरेटर, लोडर ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर, बॉबकट ऑपरेटर और बहुत सारे जो ऑपरेटर का यहाँ रिक्वायरमेंट है, टोटल रिक्वायरमेंट आप पढ़ लें, काफ़ी टाइम लगेगा। अगर ये आपको क्लियर नहीं आ रहा है, ये क्लियर देखने में नहीं आ रहा, तो आप हमें कमेंट करें, बताएं हमें, तो इंशाल्लाह आपका क्लियर पेज भी हम भेज देंगे। हो सकता है कुछ क्लियर नहीं आ रहा हो, तो आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इंडिया के अंदर हैं तो इंडिया के अंदर से अप्लाई कर सकते हैं आप। सिंपली किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में अवेलेबल है, तो अप्लाई करने के लिए सिंपली मेल आईडी दिया हुआ मेंशन के, मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर है, जो भी आपको भी क्वारी चाहिए तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए डाउट जो भी है सब क्लियर हो जाए, इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर हो। और ज़्यादा जानकारी के लिए एसमैक्स का ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। ये वैलिड है 31 अगस्त तक ये वैलिड है रिक्वायरमेंट, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अप्लाई करें। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारा निकल कर रहा है बहरेन का, वन ऑफ द, ये भी जो रिक्वायरमेंट है बहरेन का, इसको आप इंडिया के अंदर से भी अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट वेक्चुअल ज्वेलर शॉप इन बहरेन इन अर्जेंट हायरिंग, तो सेल्समैन की रिक्वायरमेंट है, फेल मेल फीमेल बहुत बंदे रिक्वायर है, अगर मेल है तो भी अप्लाई करें, फीमेल है तो भी अप्लाई करें। एक्सपीरियंस मिनिमम आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस 3 साल होना चाहिए, एज लिमिट 18 से लेकर 50 के अंदर एज लिमिट होना, जॉब लोकेशन होगा आपका बहरेन में, बाकी देख रहे सैलरी भी अच्छी मेंशन की 120 से 150 तक बीडी मेंशन किया गया, अकोमोडेशन मेडिकल प्रोवाइड कंपनी करेगी। अगर आप इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं तो इसमें अप्लाई करें, अप्लाई करने के लिए मेल आईडी यहाँ मेंशन किया हुआ है, अप्लाई करें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वारी से तो कॉन्टैक्ट नंबर है, फ़ोन नंबर है मेंशन किया हुआ, आप क्लियर कर सकते हैं। और कॉन्सल्टेंसी की बात करें तो आगर करवा इंटरनेशनल बहुत ही बेहतरीन अच्छी कॉन्सल्टेंसी है, इसमें भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए जॉब बेहतर हो। और ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। अगली रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, अगला रिक्वायरमेंट निकल कर आ रहा है हमारे पास, ये रियाद का, सऊदी का लेबर का रिक्वायरमेंट है। इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी इन रियाद इज़ हायरिंग लेबर, 1600 सैलरी है, सैलरी इसमें ठीक ठाक है, 900 बेसिक्स प्लस अदर अनाउंस मिला के 1600 ही हो रहा है। 12 घंटे ड्यूटी करना होगा, 12 घंटा इसमें ड्यूटी है, 2 आवर्स लंच के लिए 2 घंटा है, फूड प्रोवाइडेड बाई कंपनी है, फ्राइडे को काम होगा, कोई छुट्टी नहीं है इसमें, बड़ी तगड़ी हिसाब किताब तगड़ा है। बाकी देख ले, अगर आप इंटरेस्टेड है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट के लिए यहाँ दिया गया, इंडिया के अंदर से आप अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी स्टेट में है तो मेल आईडी मेंशन के हुए, व्हाट्सअप नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, कोई भी डाउट, कोई भी क्वारी से तो क्लियर कर सकते हैं। और कॉन्सल्टेंसी की बात करें तो आगर कारवा इंटरनेशनल बहुत ही अच्छी बेहतरीन कॉन्सल्टेंसी, इसमें अप्लाई कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, भरोसेमंद कॉन्सल्टेंसी। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, www.agarkarwa.com पे। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करें तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारा आ रहा है, ये शट डाउन का जॉब है, ये सऊदी के लिए शट डाउन है, अगर इंडिया के अंदर बंदे हैं तो अप्लाई करें, इंडिया के अंदर से हो सकता है आपके लिए बेहतर और अच्छा जॉब हो। ये HR इंटरनेशनल की तरफ से ये रिक्वायरमेंट निकल कर आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर रेपुटेड इंटरनेशनल कंपनी इन सऊदी अरबिया फॉर पावर प्लांट मेंटेनेंस प्रोजेक्ट शट डाउन, शट डाउन के लिए बहुत सा रिक्वायरमेंट है। ये देखिए पेपर इसमें क्लियर नहीं आ रहा, फिर भी हम आपको इसमें बताते हैं कौन कौन सा रिक्वायरमेंट आपको हम बताते हैं। तो देखिए इसमें हम बता आपको हम शो करने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा शो कर पाएँ इसमें। तो इसमें देखिए ये रिक्वायरमेंट निकल के आ रहा है, साइट मैनेजर का, प्लानिंग इंजीनियर का, बॉयलर मैकेनिकल इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है, QA QC इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है, INC इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है, इसमें टर्बाइन एक्सुलरीज एंड BOP इंजीनियर का रिक्वायरमेंट, टर्बाइन इंजीनियर, जनरल इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है, HSE ऑफिसर का रिक्वायरमेंट है, PTW रिसीवर एंड मटेरियल कंट्रोलर का रिक्वायरमेंट है, और स्टोर कीपर का यहाँ रिक्वायरमेंट है, फोरक्लिप ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है, ओवरहेड क्रेन ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है, मैकेनिस्ट फॉर वर्कशॉप रिक्वायरमेंट है, रोटरी फोरमैन का रिक्वायरमेंट है, टर्बाइन लग्जरी फोरमैन का रिक्वायरमेंट है, जनरेटर मैकेनिकल फोरमैन का रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिकल फोरमैन का रिक्वायरमेंट है, INC फोरमैन की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे बॉयलर मैकेनिकल फोरमैन का रिक्वायरमेंट है, मैकेनिकल फोरमैन रोटरी का रिक्वायरमेंट है। ये जितना भी जब जॉब है सब शटडाउन जॉब है, अब इंडिया के अंदर कहीं भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। टर्बाइन मैकेनिकल फोरमैन का रिक्वायरमेंट है, वेसल फोरमैन का रिक्वायरमेंट है, हो सकता है ये जॉब आपके लिए बेहतर हो, तो इसमें बिल्कुल ना चुके, अप्लाई करें। और बहुत से जॉब्स का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, INC टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट है सीनियर का, स्टैटिक रोटरी टेक्नीशियंस का रिक्वायरमेंट है, बॉयलर मैकेनिकल टेक्नीशियंस का रिक्वायरमेंट है, ANXU जनरेटर टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट है, टर्बाइन इंजीनियर जनरल इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है, सीनियर रोटरी इक्विपमेंट टेक्नीशियंस का रिक्वायरमेंट है,
इंसुलेशन टेक्नीशियंस का रिक्वायरमेंट है, INC टेक्नीशियंस का रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियंस का रिक्वायरमेंट है, जनरल मैकेनिकल टेक्नीशियंस का रिक्वायरमेंट है, फैब्रिकेटर का रिक्वायरमेंट है, रिगर का रिक्वायरमेंट है और HP वेल्डर का रिक्वायरमेंट। क्या आपको पता है HP वेल्डर क्या है? अगर आप वेल्डर होंगे तो हो सकता है आपको पता हो, अगर नहीं पता है तो पूछ सकते हैं, बताएंगे हम आपको। स्ट्रक्चरल वेल्डर का रिक्वायरमेंट, INC हेल्पर का रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिकल हेल्पर का रिक्वायरमेंट है, मैकेनिकल हेल्पर का रिक्वायरमेंट है। तो ये जितना भी जॉब है, ये टोटल जॉब, ये शट डाउन जॉब है और ये पेपर में उतना कुछ क्लियर नहीं मेंशन किया, क्लियर नहीं आ रहा, इसलिए हमने आपको अलग से हमने आपको बताया। और कैंडिडेट हैव डिग्री डिप्लोमा विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस इन सेम फील्ड, तकरीबन 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, 5 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगा, 8 घंटे की ड्यूटी होगी, फूड एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन मेडिकल प्रोवाइड करेगी कंपनी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसमें कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन किया, वक्त मेंशन किया, 10 से लेकर 6 बजे तक बात कर सकते हैं आप। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेल आईडी मेंशन किया, इसमें सिंपली मेल कर लें। और ये दिल्ली में ऑफिस अवेलेबल है, मुंबई में अवेलेबल है, दुबई में ऑफिस अवेलेबल है। HR इंटरनेशनल बहुत ही अच्छी बेहतरीन कंसल्टेंसी है। इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, www.hrinternational.com पे। तो ये था हमारा आज तक का पूरा रिक्वायरमेंट। अगला जो रिक्वायरमेंट मिलेगा आपको, वो आप सऊदी दुबई UAE कहीं भी एब्रॉड के अंदर हैं तो एब्रॉड से एब्रॉड में ही अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। नए दोस्तों से एक बार फिर से गुजारिश है, पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पे क्लिक करें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो हम बात करेंगे कुछ कमेंट्स का, और कुछ नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं उनका भी बात करेंगे इंशाल्लाह। कमेंट्स की हम बात करें तो जैनियर बच्चन कुछ लवली, ये तो कुछ स्पैम कमेंट है। कुमार रॉक्स लिखते हैं, वेरी नाइस, थैंक यू जी कुमार रॉक्स जी, आपका मैसेज करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर बसा सिक्योरिटी गार्ड जॉब के लिए बात कर रहे तो सॉरी अनवर बसा, आप प्रीवियस वीडियो हमारा देख लें, प्रीवियस वीडियो में सिक्योरिटी गार्ड का जॉब ऑलरेडी अवेलेबल है, आप अगर ढूंढ पाए तो ढूंढ लें, वीडियो पीछे जाके हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो उसमें है सिक्योरिटी गार्ड का, अगर आपको मिल पाता है तो आप देख लो, उसमें अप्लाई करें, जॉब वैलिड है, अगर नहीं तो थोड़ा वेट कर लें, इंशाल्लाह आगे जॉब जैसे आएगा आपको हम बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे। और शेख रफीक जी शुक्रिया, गुड लिखते हैं, शुक्रिया जी, थैंक यू जी। और मिथिलेश कुमार जी गुड मॉर्निंग लिखते हैं, सर जी गुड मॉर्निंग, जी गुड मॉर्निंग, बहुत गुड मॉर्निंग। सूरज कुमार लिखते हैं, मुंबई में इंटरव्यू स्टार्ट होगा तो बात बनेगी, वॉच करते हैं जी, वॉच करते रहिए, शुक्रिया, बहुत कुछ बात नहीं बन रही है, इंटरनेशनल फ्लाई स्टार होता है। हाँ जी देखिए सूरज कुमार जी, आपसे ये कहना चाहेंगे कि बात नहीं बन रही, देखिए आप जब अप्लाई करते हैं कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या आप अपना CV अपडेट किए हुए हैं, CV अपना जो भी रिज्यूम है वो अपडेट किए हैं तो उसमें क्या आपने मेंशन किया है IMO नंबर, स्काइप ID, व्हाट्सअप नंबर, ये सारा कुछ मेंशन किया हुआ है क्या? हो सकता है आप ये नहीं किए होंगे तो हो सकता है इस वजह से भी शायद रिप्लाई नहीं आता होगा, फिर भी आप कोशिश करें, आप जब भी अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने में ये 2-3 चीज़ें मेंशन किया करें, और अगर जॉब कोड किसी भी जॉब पे है तो जॉब कोड जरूर मेंशन करें तो हो सकता है इंशाल्लाह कुछ रिप्लाई आएगा। चलिए फिर भी इंतज़ार कीजिए, बेहतर होगा। और कमाल कॉल मी आंटी, ये होटल वैली पार्किंग, भाई पहले अपना नाम ठीक करो बाद में मैसेज करो। अरुण कुमार जी लिखते हैं, सर दुबई का के लिए बताइए, आई हैड ए 4 ईयर्स एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल बोथ इंडस्ट्रियल। देखिए अरुण कुमार जी आपके लिए हमने इसी वीडियो में बहुत सा जॉब आपके लिए बताया, 2 जॉब बताया, आप देख लें, आपका नाम लेके भी हमने बताया हुआ है तो हो सकता है आपके पास पहुंचा होगा, नहीं पहुंचा तो एक बार देख लें वीडियो और हो सक देख लें, इंशाल्लाह बेहतर होगा, अप्लाई करें उसमें। और इसमें अपडेट इन्फॉर्मेशन के नाइस वीडियो, प्लीज़ विजिट माय यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब। भाई देखो नाइस इन्फॉर्मेशन, देखो भाई ऐसा है ना कि हम आपके चैनल पर क्यों विजिट करें, पहली बात क्यों विजिट करें, आपको सब्सक्राइब क्यों करें? अगर आपका कंटेंट अच्छा है, अगर आपको कंटेंट ऐसा है हेल्पफुल है, किसी के कुछ काम आ रहा है तो बंदा आपको सब्सक्राइब करेगा। भाई किसी के कहने से कोई सब्सक्राइब क्यों करेगा, किसी को क्यों वीडियो किसी को लाइक करेगा, भाई इतना कोई वेला थोड़ी पड़ा है, सीधी सी बात है, सही सीधी सी बात है, आपको बुरा लगे अच्छा लगे वो अलग बात है, मगर ये स्पेशली आपके लिए है जो आपने लिखा हुआ है सब्सक्राइब करने के लिए, किसको इस तरह मैसेज करके और फोर्स करके सब्सक्राइब नहीं करा सकता आपके अपने चैनल पर। अगर आप सही हैं, राइट है, परफेक्ट है तो इंशाल्लाह आपके ऊपर सब्सक्राइबर आएंगे और सब्सक्राइब करेंगे बंदे। आपको अगर अच्छा लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगे तो आप अनसब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए वीडियो, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए, यहाँ तक भी हम कहते हैं ये आपका राइट से। चलिए इसी तरह बने रहिए हमारे साथ अगला वीडियो देखने के लिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।